ओम नमः शिवाय, जय शोषण भोजाय, शोषण कर जय भूलना, जय महाकाल जनक द्वार हरि, प्रणाम शंकर विद्या। आज मैं बताऊंगा आपको दमा की समस्या के लिए। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9325061460। तो जैसे कि ये जो आपको जो पौधा दिख रहा है, ये काला धोतरे का पौधा है, ये काला धोतरा है, और इसका उपयोग बहुत से लोगों को नहीं पता। इसका जो वैसे उपयोग बहुत से लोगों को पता नहीं है कि इनके इस पेड़ के पत्ते जो होते हैं, इसका उपयोग कफ दमा के लिए किया जाता है। अभी इस पेड़ को जो आपको पत्ते दिख रहे हैं, तो इसमें से कोई भी पत्ता नहीं चलेगा। जिस पत्ते पर रोग रही है, दाग धब्बे हैं, वो पत्ते का उपयोग नहीं करना है आपको। जैसे कि वाला पत्ता देखो, इस पर दाग धब्बे हैं, रोग रही है, इस पत्ते का उपयोग नहीं करना है। तो कौन सा पत्ता यूज करना है, जिस पर दाग धब्बे नहीं है, जैसे कि ये और ये वाला। यह पत्ते बिल्कुल जो आपको मैंने दिखाए बिना दाग धब्बे के, उसको उपयोग करना है। तो आपको अच्छे वाले फ्रेश पत्ते जो है, परिपक्व बिना दाग धब्बे वाले, उसको तोड़ना है, सुखा के रखना है। सुखाने के बाद उसका पाउडर बना के चिलम में भर के उसको अगर पीते हैं, तो उसका जो धुआँ है वो पूरा पेट में चला जाना चाहिए। कोई कोई उसको सिर्फ सीने तक लेगा तो उसका फ़ायदा नहीं होता, तो पेट तक उसको धुआँ लेना पड़ता है, ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना। और ये पेड़ पौधा पूरी तरह विषैले होता है। जो समझदार है, समझ सकता है, जो खुद को कंट्रोल कर सकता है, वही इसका उपयोग करे। तो दमा जैसी समस्या के लिए बहुत ही अच्छे से ये पेड़ फायदेकारक है। इसके फल के बीज के भी अलग उपयोग होते हैं। तो जो करना चाहते कर सकते हैं दमा के लिए, विशेष करके बहुत ही अच्छा फायदा होता है। जय बोले, हर हर महादेव।